नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन है। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और आज हमारे केंद्र में एक नया बिंदु होगा और वह बिंदु होगा सत्याग्रह। हमने महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को जाना है, समझा है। हमने महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए आंदोलन को भी जाना समझा है। गांधी जी के आंदोलनों में सत्याग्रह शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है। आखिर क्या है यह सत्याग्रह? यदि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद करें तो हमारे सामने एक तो सत्य आता है और दूसरा आग्रह आता है। इन दो शब्दों को मिला देंगे तो सत्याग्रह बन जाएगा। सत्याग्रह का सीधा सा अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यदि हम इस बात की गहराई में जाएं तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि व्यक्ति क्या सत्य के प्रति आग्रही होने की बात खुद को कह रहा है या दूसरों को कह रहा है? जब गांधी जी सत्य के प्रति आग्रह का आह्वान करते हैं तो क्या वे यह आह्वान स्वयं के लिए करते हैं कि मोहनदास तुझे सत्य के प्रति आग्रही होना चाहिए? क्या उनका आग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले उन लोगों के लिए है जो गांधी जी के पीछे हैं, या गांधी जी का सत्य के प्रति आग्रही होने का भाव है, आह्वान है, वह अंग्रेजों के प्रति था, अंग्रेजों के लिए था? ये तीन अलग अलग पक्ष हैं सत्याग्रह के। एक स्वयं गांधी जी, दूसरे वे लोग जो गांधी जी का अनुसरण करना चाहते थे, और तीसरे वे लोग गांधी जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। वस्तुतः गांधी जी का यह आग्रह तीनों के प्रति ही है। वे स्वयं को भी सत्य का आग्रही बनाना चाहते हैं, वे उन लोगों को भी सत्य का आग्रही बनाना चाहते हैं जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, और अंग्रेजों को तो वे कह ही रहे हैं कि भाई सत्य के मार्ग पर चलो। अब प्रश्न यह है कि सत्य क्या है? आग्रह तो समझ में आता है, लेकिन सत्य समझ में नहीं आता। जब आप सत्याग्रह की बात करेंगे, किसी के भी सामने करेंगे, तो वह आपसे
पूछ सकता है कि आग्रह तो आपका स्वीकार है, लेकिन हमें यह बताइए कि सत्य क्या होता है। वैसे तो सत्य का बड़ा ही सीधा अर्थ है कि जो जैसा है उसे वैसा ही बता देना सत्य है। जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना, जैसा आपने कहा, जैसा आपने अनुभव किया, वैसा ही आपने बता दिया, तो आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन गांधी जी इसी बात को अपने अलग अंदाज में बताते हैं। वे इसी बात की सूक्ष्म व्याख्या करते हैं। यदि हमें गांधी जी के सत्याग्रह को समझना है, तो पहले हमें यह समझना होगा कि गांधी जी की सत्य के प्रति क्या अवधारणा है। सत्य किसे कहते हैं? वे खुद कहते हैं कि सत्य क्या है, यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन अपने लिए मैंने यह प्रश्न सुलझा लिया है। और अपने लिए उन्होंने इस प्रश्न को कैसे सुलझाया? भाई, बात यह है कि सत्य क्या है, इसकी सैकड़ों हजारों व्याख्याएं हो सकती हैं, और यह जरूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति की व्याख्या से दूसरे व्यक्ति की सहमति हो। इस स्थिति में क्या रास्ता है? यही समस्या गांधी जी के सामने थी कि वे माने किसे सत्य को। तभी तो उन्होंने कहा ना कि सत्य क्या है, यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैंने मेरे हिसाब से ढूंढ लिया है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण की जो आवाज हो वही सत्य है, जो आपका मन कहे वह सत्य है, जो आपकी आत्मा कहे वह सत्य है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम बहुत झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, दिन में कई कई बार झूठ बोलते हैं। और सही बात तो यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब कब झूठ बोलते हैं, कहां कहां झूठ बोलते हैं। लेकिन थोड़े से चिंतन से यह बात समझ में आ जाती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। यह कौन है, वह कौन है जो हमें बताता है कि आपकी जुबान ने तो यह कहा है, लेकिन बात वह नहीं है जो आपकी जुबान से निकली है, बात कुछ और है, और वह आपको पता है। हमें कौन आगाह करता है? यदि हम भारतीय मनीषा की बात करें, यदि हम एक ऐसे विश्वास के साथ बात करें कि व्यक्ति अपने आप पर संदेह नहीं कर सकता। आप किसी पर भी संदेह कर सकते हैं। फ्रांस के दार्शनिक देकार्ते का यह जो संदेह का सिद्धांत है बहुत लोकप्रिय हुआ, यद्यपि अपने देश में यह बहुत पहले बताया जा चुका है। आप किसी पर भी संदेह कर सकते हैं। आप अपनी माता पर संदेह कर सकते हैं, पिता पर कर सकते हैं, गुरु पर कर सकते हैं, मित्र पर कर सकते हैं, पत्नी पर कर सकते हैं, भाई पर कर सकते हैं।
आप सबको कह सकते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोई अपनी मां से पूछ सकता है कि क्या क्या प्रमाण है कि आप मेरी माता हैं, क्या प्रमाण है कि आप मेरे बाप हैं, पिता हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपकी आत्मा जानती है, आपका अंतःकरण जानता है कि आप ये झूठ बोल रहे हैं। तो यदि आप अंतःकरण की आवाज को अच्छी तरह से सुन लें, तो आप सत्य के निकट चले जाएंगे। यही गांधी जी कहना चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति का सत्य अपना सत्य होता है और वह उसे ही सत्य मानता है। इसलिए जो आपकी अंतरात्मा कहे, जो आपका मन कहे, उसे ही सत्य मानिए। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम जब महावीर के सिद्धांत को पढ़ते हैं, अनेकांतवाद, और इसी से मिलता जुलता शादवाद, एक कहानी आपने सुनी होगी कि चार नेत्रहीन राजकुमार हाथी खरीदने जाते हैं। जैसा उनका पिछला अनुभव था, उस आधार पर एक राजकुमार के हाथ में हाथी का पांव आ जाता है, तो वह कहता है कि मिल गया हाथी, मिल गया हाथी। हाथी कैसा होता है, किसी ने पूछा, बोले खंभे जैसा होता है, स्तंभ जैसा होता है। एक के हाथ में हाथी की सूंड आ गई, तो वह कहने लगा कि हाथी अजगर जैसा होता है। एक के हाथ में कान आ गया, हाथी कैसा होता है, बोले हाथी छाजले जैसा होता है। एक उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा, हाथी कैसा होता है, हाथी दीवार जैसा होता है। लेकिन जो नेत्रहीन नहीं है, वह हाथी को सर्वांग रूप में देखता है और वह कह देता है कि यह हाथी है। यही बात गांधी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने सत्य को सत्य मानता है। इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं सत्य किसे मानूं, या इसे सत्य मानूं, या किसे सत्य मानूं और किसे सत्य न मानूं। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आप में ईमानदारी होनी चाहिए, खुद के प्रति ईमानदारी, कि हां मेरी आत्मा यह कह रही है। और उसके बाद आप में विनम्रता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। 31 दिसंबर 1931 को यंग इंडिया में वे लिखते हैं कि जिस व्यक्ति में विनम्रता कूट कूट कर न भरी हो, उसे सत्य नहीं मिल सकता। यदि तुम्हें सत्य के सागर में तैरना है, तो अपनी हस्ती को पूरी तरह मिटा देना होगा। और गांधी जी ने अपने सत्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आगे कहा कि केवल सत्य और प्रेम, साथ ही अहिंसा जरूरी है। जो अहिंसा जानता है, जो प्रेम जानता है, वह सत्य जानता है। जहां अहिंसा है, जहां प्रेम है, वहां अंततः सब कुछ ठीक हो जाता है। और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। यह बात वे
यंग इंडिया में 18 अगस्त 1927 को लिख चुके थे, तो वे साफ कहते हैं कि मेरे लिए सत्य सबसे बड़ा सिद्धांत है, सर्वोच्च सिद्धांत है, और केवल वाणी का सत्य ही सत्य नहीं होता, विचार का सत्य होना चाहिए। आप इसे यूं समझ सकते हैं, किसी अपराधी को मान लीजिए पकड़ लिया पुलिस ने, वह झूठ बोल रहा है कि मैंने यह काम नहीं किया, मान लीजिए मैंने चोरी नहीं की, लेकिन जब उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, डराया धमकाया जाता है, तब वह सत्य बोलता है। यह केवल वाणी का सत्य हुआ, अपने हृदय से वह सत्य नहीं बोला है। उसका सत्य विचार का सत्य नहीं है, और गांधी जी चाहते हैं कि विचार का सत्य होना चाहिए। यानी हमारी धारणा है वह सापेक्ष सत्य के प्रति होती है, निरपेक्ष सत्य के प्रति होनी चाहिए। निरपेक्ष सत्य सनातन सिद्धांत है, निरपेक्ष सत्य ईश्वर है, और हमें निरपेक्ष सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में हमें साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, काम करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको गांधी जी के सत्याग्रह को समझना है, तो उससे पहले उनके सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को सत्य के लिए आग्रही होने की बात नहीं कह सकते। आपने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।